दुबई का विजिट वीजा कैसे चेक किया जाता है? दुबई का विजिट वीजा या टूरिस्ट वीजा अगर आपको मिला है तो आप कैसे ऑनलाइन वेरीफाई करेंगे कि जो आपको वीजा मिला हुआ है वो वीजा जेन्युइन है या फेक है। चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और दुबई का विजिट वीजा चेक करने का पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं। अगर आपको दुबई का एम्प्लॉयमेंट वीजा मिला हुआ है, वर्क वीजा मिला हुआ है, अगर आप उस वर्क वीजा को चेक करना चाहते हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं, और कैसे चेक किया जाता है वो सब का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। अगर आपको दुबई का वर्क वीजा मिला है, एम्प्लॉयमेंट वीजा मिला है, तो आप एम्प्लॉयमेंट वीजा को भी चेक कर सकते हैं। उसका पूरा प्रोसेस है कि एम्प्लॉयमेंट वीजा कैसे चेक करें, सैलरी कैसे चेक करें, कंपनी इंफॉर्मेशन कैसे निकाले, एग्रीमेंट पेपर कैसे निकाले, ए टू जेड प्रोसेस आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको इस वीडियो में आपको हम बस बताएंगे कि विजिट वीजा कैसे चेक किया जाता है। चलिए वीडियो स्टार्ट। दुबई का विजिट वीजा चेक करने के लिए गूगल ओपन कर लेंगे और लिखेंगे सर्च में ICP स्मार्ट सर्विस। लिख करके जैसे सर्च करेंगे आपके सामने smartservice.icp.gov.ae दिखाई देगा। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। ये ओरिजिनल ऑफिशियल लिंक है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे वेबसाइट आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। पब्लिक सर्विस का ऑप्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और जैसे पब्लिक सर्विस पर क्लिक करेंगे चार ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उसके बाद से फाइल वैलिडिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दो तरीके से आप चेक कर सकते हैं, अगर विजिट वीजा मिल चुका है तो उससे, या अपने पासपोर्ट नंबर से भी चेक कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा बोलते हैं पासपोर्ट इंफॉर्मेशन से चेक करने के लिए, तो पासपोर्ट इंफॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप। उसके बाद से वीज़ा वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से अपना पासपोर्ट नंबर देंगे, पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट देंगे, नेशनलिटी को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप इंडिया से हैं तो आप यहां पर इंडिया सर्च करके इंडिया लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से आई एम नॉट रॉबोट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से सर्च करेंगे। अगर आपका वीज़ा ओपन आ गया होगा तो आपका डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है आप गूगल ओपन करेंगे, गूगल सर्च में लिखेंगे GDRFA लिख करके जैसे सर्च करेंगे, उसके बाद से आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर GDRFA.gov.ae का ऑप्शन होगा। अभी ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है, इसे रीलोड करते हैं। जैसे रीलोड करेंगे ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से सिर्फ पासपोर्ट नंबर, नेशनलिटी, उसके बाद से अपना डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे और जेंडर सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी मान कर चलिए, कुछ भी हम डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं सिर्फ बताने के लिए आपको। और उसके बाद से जेंडर सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद से आई एम नॉट रॉबोट पर क्लिक करके जैसे सबमिट करेंगे, आपका वीज़ा इश्यू हो गया होगा तो आपका UID नंबर यहाँ पर शो करेगा। इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं। अभी मेरे पास वीज़ा नहीं है तो नहीं तो चेक करके बताता, यही सेम तरीका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।